क्या आप फ्लिपकार्ट से ये फेस्टिव सीजन सामान खरीदने वाले हैं बट आपको कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता ये प्रोग्राम के बारे में, तो कोई बात नहीं गाइज, मैं ये वीडियो में आपको कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूँ द बिग बिलियन डे का, और इवन इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा, उसका कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन मैं ये वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड आज आप लोग देखने वाले हैं फ्लिपकार्ट का न्यू बिग बिलियन डे का कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन। उससे पहले कि ये वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ, आपको कुछ मैं दिखाना चाहूँगा। बेसिकली अगर आप नोटिस किए होंगे तो मेरा बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा, वन वीक से ऊपर होने वाला है, तो उसका रीज़न मैं दिखाने वाला हूँ, किसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो YouTube की तरफ से मेरा कोई स्ट्राइक लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं दो स्ट्राइक लग चुके हैं, और दो स्ट्राइक लगने के बाद कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगने के बाद आपका अपलोडिंग और लाइव स्ट्रीमिंग दोनों डिसेबल हो जाता है, और जिसके कारण आप कोई भी वीडियो अपलोड भी नहीं कर सकते, इवन आप लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर सकते। इसका मेन रीज़न ये है कि जो मेरा दो वीडियो है यूट्यूब की नज़र से वो उनका कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा, तो इसी चलते उन लोगों को स्ट्राइक लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्ट्राइक बहुत पहले ही लग चुका था, तो उसके बारे में मैं बता नहीं रहा था। तो बेसिकली जो पहला स्ट्राइक है वो लाइव स्ट्रीम के लिए हुआ है शायद, तो यूट्यूब का मानना है कि वो लाइव स्ट्रीम में ऐसा कुछ कंटेंट था जो हम लोग को दिखाना नहीं होता है यूट्यूब में, तो इसलिए वो लग चुका था जुलाई 12 को। तो वो स्ट्राइक लगने के बाद अपलोडिंग आपका बंद नहीं होता, ओनली आपका लाइव स्ट्रीमिंग बंद होता है। तो उसके बाद मैं बहुत सारे वीडियो डाला हूँ, अगर आप नोटिस किए होंगे। उसके बाद सेकेंड स्ट्राइक लगा तो वो कुछ दिन पहले ही लगा, जो 28 सितंबर को, उसके बाद से अपलोडिंग भी बंद हो गया। तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को ये स्ट्राइक खत्म होगा, और आज देख रहे हैं आप ये 8 तारीख है, तो 10 तारीख को मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगा और होपफुली ये वीडियो काम आ जाएगा, क्योंकि ये 10 तारीख को ये इवेंट चालू होने वाला है। तो थोड़ा सा तो लेट हो ही गया, क्योंकि ये वीडियो जो है ये 9 नहीं तो 8 को अपलोड करना था, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो जो कुछ दिन बाद भी खरीदने वाला है तो उनके लिए भी चल जाएगा ये टर्म्स एंड कंडीशन। तो गाइज ये वीडियो का बाकी तक देखिए, मैं आपको कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। ये यूट्यूब का हटाते हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म में तरह तरह के फेस्टिवल में नया नया ऑफर्स आता है। अभी जैसे कि आप जानते हैं दुर्गा पूजा आने वाला है, उसके बाद आने वाला दीपावली, फिलहाल ये फेस्टिव सीजन है तो आपको न्यू ऑफर मिलते रहेगा। तो बेसिकली बिग बिलियन डे में आपको बहुत सारा ऑफर मिलने वाला है फ्लिपकार्ट की तरफ से। मैं अलग से टॉप ई कॉमर्शियल वेबसाइट का जो ऑफर आने वाला है वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आपको ये हो जाए कि आपको समझने में इजी हो जाए, और अगर आप कोई भी पॉपुलर ई कॉमर्शियल वेबसाइट से खरीदने वाले कुछ प्रोडक्ट तो आपको कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन दिमाग। तो गाइस सबसे पहले हम लोग फ्लिपकार्ट का ही देखेंगे। तो बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है 10 से लेकर 14 अक्टूबर को, और इवन इधर आपको ढेर सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप बहुत सस्ता में प्रोडक्ट खरीद सके। तो बेसिकली इसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, इधर बहुत सारा आपको मीडियम मिल जाता है कि जहाँ से आप अपना जो परचेज है उसको कर सके, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जो मैं कुछ ही देर में आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं 10 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा बिग बिलियन डे, और इधर आप देख सकते हैं 90% ऑफ एंड टॉप फैशन, मतलब फैशन वाला सामान में 90% तक ऑफ मिल जाएगा, और इधर आप देख सकते हैं 80% डिस्काउंट होम एंड फर्नीचर का सामान में 80% डिस्काउंट भी मिल सकता है बहुत सारा चीज़ में। टीवीज भी आएगा उसमें 80% में, आपको देखना होगा कि वो आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं कि नहीं। और हर एक दिन नया नया ऑफर आएगा, ऐसा नहीं कि 10 तारीख को जो ऑफर है वो 11 तारीख को भी रह सकता है, डेली नया नया ऑफर आएगा। तो इसलिए आपको कोई बरी करने का जरूरत नहीं है कि 10 तारीख को अगर आप नहीं खरीद पाए तो 11 तारीख को आप खरीद पाएंगे कि नहीं। तो आपको देखना होगा कि आप किस दिन आपको खरीद सकते हैं। इवन आपको देख सकते हैं मोबाइल इवन गैजेट में बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, और फ्लैश सेल भी बहुत सारा आने वाला है। फ्लैश सेल का तो मतलब आपको पता ही होगा, फ्लैश सेल में ये होता है कि कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट रहता है कि बहुत ही सस्ता में मिल जाता है, और जो पहले आता है उसको बुक करता है या ऑर्डर करता है उनको ही पहले मिलता है, और उसमें लिमिटेड प्रोडक्ट रहता है इसलिए वो फ्लैश सेल में आता है। इवन इस बार तो आपको डेबिट कार्ड में EMI का ऑप्शन मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एक टाइम में पूरा अमाउंट पे नहीं कर पा रहे जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, तो वो आपको डेबिट कार्ड में ऑप्शन दे दे रहा है EMI का, जो कि सबके पास अवेलेबल होता है। डेबिट कार्ड तो सबके पास अवेलेबल होता ही है, तो क्रेडिट कार्ड होता तब प्रॉब्लम होता, मगर डेबिट कार्ड है तो इसलिए आपको EMI का भी ऑप्शन, टेंशन करने का कोई भी वरी नहीं है। इवन HDFC ATM कार्ड जिसके पास है उनको तो और भी बेनिफिट मिलने वाला, जो कि मैं कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। तो गाइस और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जो प्रोडक्ट है वो एक ही दिन में ही नहीं आने वाला, जो कि मैं थोड़ा देर पहले ही बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ 10 से लेकर 14 तारीख तक आपको ये सब चीज़ में ऑफ़र मिलेगा, और मोबाइल अगर आप गैजेट खरीदना चाहते हैं, ज़्यादातर जो
ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं, गैजेटें खरीदते हैं, तो वो 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो मेरा वेस्ट नहीं होने वाला अगर मैं 10 तारीख को भी अपलोड करूँ तो। अगर वो जिन जो गैजेट खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उन लोग के लिए भी ये काम आने वाला है, क्योंकि ये जो मोबाइल वाला चीज़ है ये 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और जो फैशन है, होम फर्नीचर जो मैं ऊपर दिखाया, स्मार्ट डिवाइसेस, वो 10 से चालू होने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप कुछ गैजेट खरीदने वाले हैं तो आप 10 तारीख को आगे पर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 तारीख को गैजेट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा ऑफ़र। तो मैं उसके बाद बताने वाला हूँ HDFC बैंक वाले लोग का क्या फ़ायदा है। HDFC बैंक का जो जिसके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, उनको कोई भी प्रोडक्ट में लोग खरीदने वाले हैं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको बहुत सारा सामान में डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप EMI भी यूज़ कर सकते हैं, नो कॉस्ट ऑफ EMI ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए, उसके बाद थोड़ा हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट प्लस। इवेंचुअली अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो मैं फ्लिपकार्ट प्लस के बारे में एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन बताया फ्लिपकार्ट प्लस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि फ्लिपकार्ट प्लस का क्या बेनिफिट है। तो मैं ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस समझा देता हूँ कि फ्लिपकार्ट प्लस जो मेंबर है उन लोग को जो सेल है, सब जो नॉर्मल फ्लिपकार्ट यूज़र को सेल दिखेगा 10 तारीख से, मगर जो फ्लिपकार्ट प्लस का जो मेंबर है उसको दिखेगा सेल 9 तारीख से। तो यही बेनिफिट मैं बता रहा था उस दिन जिस दिन मैं वीडियो बनाया था फ्लिपकार्ट प्लस के बारे में, कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि नया ऑफ़र क्या है। इवन अगर आप कुछ भी सामान खरीदने वाले हैं जो फ्लैश सेल आने वाला है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लिपकार्ट यूज़र। वो वीडियो में भी बार बार बताया कि फ्लिपकार्ट प्लस यूज़र को ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट नॉर्मल यूज़र। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सबके लिए जो ऑफ़र है वो 10 तारीख से चालू होने वाला है, मगर फ्लिपकार्ट जो यूज़र है, फ्लिपकार्ट प्लस यूज़र है, उनको उनके लिए 9 और 10 तारीख को ये ऑफ़र स्टार्ट हो जाएगा। और इवेंचुअली आप देख सकते होंगे कि मेरा भी अकाउंट है वो है फ्लिपकार्ट प्लस, तो मेरे को भी 9 तारीख को ये ऑफ़र दिख जाएगा, मतलब कल मेरे को ये ऑफ़र मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने फ्लिपकार्ट प्लस में नहीं एलिजिबल किया है तो आप वो वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे आप फ्लिपकार्ट प्लस में एंट्री ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट का बारे में उस दिन मैं वो वीडियो में बता रहा था कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है नॉर्मल यूज़र से, तो वही चीज़ आपको मिल गया, ये वीडियो में आपको पता चल गया कि क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं और सारा ढेर सारा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो गाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, मगर मैं आपको कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन बता दे रहा हूँ, जिससे आपको बेनिफिट के बारे में पता भी चल जाए, इवन आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा जब आप परचेस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं EMI का ऑप्शन मिल गया डेबिट कार्ड में। तो अगर आप डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं EMI में, मतलब आपको बड़ा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं और आपके पास उतना पैसा नहीं है एक टाइम में देने के लिए, तो आपको कोई बात नहीं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी है जो सबके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है ज़्यादातर, तो आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप इसमें चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए इसमें लिखा है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर इन योर अकाउंट, मतलब आपको मिनिमम बैलेंस का जरूरत नहीं। अगर आपके पास 0 रुपीज़ भी है तो आप तब भी आप डेबिट कार्ड कर सकते हैं इशू, मतलब आप EMI के लिए। और इसमें डॉक्यूमेंट भी कुछ नहीं चाहिए और नो प्रोसेसिंग फी, मतलब 0% प्रोसेसिंग फी लगेगा, तो आपको एडिशनल कुछ भी नहीं लगेगा। बेसिकली आप देख सकते हैं EMI का ऑप्शन बस ये चारों कार्ड में अवेलेबल है, जो कि SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के बारे में बता दिया। तो गाइस अगर आपके पास ये चारों बैंक में से कोई भी एक कार्ड है तो आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये चारों कार्ड में कुछ भी नहीं है तो आपको शायद EMI में प्रॉब्लम होगा डेबिट कार्ड से। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है दूसरा कंपनी का तब तो आप कर सकते हैं, मगर डेबिट कार्ड में ये चारों बैंक का ही कार्ड एक्सेप्ट होगा। तो आया होगा आपको समझ में आ गया है, और डिटेल जानना है तो आप जाके एक चीज़ पढ़ सकते हैं, आप इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक चीज़ देख सकते हैं क्या कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है। मैं एक एक चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इधर बहुत कुछ है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप EMI करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, तो पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है कैसे आपको ऑप्शन में क्लिक करना, क्या क्या ऑप्शन क्लिक करना है, और उसके बाद कैसे आप अपना जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर सकते हैं। तो इतना तो मैं बता दिया क्या करना है, इतना तो काम हो गया। उसका थोड़ा और नीचे जाएंगे, इधर आप देख सकते हैं
नो कॉस्ट अभी मैंने इसके बारे में बता दिया। इसमें आपको क्रेडिट का, ये डेबिट कार्ड का था, ये क्रेडिट कार्ड का है, इसमें भी आपको EMI का कॉस्ट नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। बजाज फाइनेंस कार्ड बहुत जन के पास होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं बजाज फाइनेंस कार्ड। तो अगर इसका टर्म्स एंड कंडीशन जानना है तो नो मोर में क्लिक कीजिए, उसमें जाके आप देख सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर रहता है सब में, क्या क्या करना है आपको, कैसे कैसे करना है। देखिए इसमें कम्प्लीटली स्टेप बाई स्टेप हर एक फ़ोटो दिया हुआ, तो आपको खुद भी इसमें कम्प्लीटली एक एक फ़ोटो दिया हुआ कैसे आपको करना है। और इवेंचुअली आपको देख देख के करना है, ऐसे नहीं कि पढ़ के भी करना है, वो देख देख के करना है तो सिंपल हो जाता है आपके लिए करने के लिए। तो आया होगा वो समझ में आ गया होगा कैसे आपको हर एक कार्ड को यूज़ करना है। उसके बाद आप देख सकते हो, अगर आप फ़ोनपे से पेमेंट करेंगे तो आपको तुरंत कैशबैक मिल जाएगा 10% का फ़ोनपे वॉलेट में। और इधर आपको बहुत सारा चीज़ और मिल जाएगा, जैसे कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन का सपोर्ट 99 रुपीज़ में। तो आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं ओवरऑल बता दिया कि क्या क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफर। तो जैसे कि गाइस आप जानते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट का एक्सचेंज ऑफर मिलता है, जैसे ज़्यादातर मोबाइल में मिलता है, क्योंकि आपके पास पुराना मोबाइल है और आप चाहते हैं अपने नया मोबाइल खरीदना है, तो आप अपने पुराना मोबाइल को अगर उसका सही कंडीशन रहा तो उसको वापस करके एक्सचेंज करके उसका जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा आपके नया मोबाइल में वो इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको जो मेन मोबाइल है, जो नया मोबाइल आप खरीद रहे हैं, उसमें प्राइस आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो यही था एक्सचेंज ऑफर के बारे में। उसके बाद आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ऑफर है सबका, आप देख सकते हैं जैसे आप क्रेजी डील, माही प्राइस ड्रॉप, मतलब बता रहा क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, टॉप डील कमिंग ऑन योर वे। तो ऐसे करके आप मोबाइल टैबलेट देख सकते हैं क्या क्या ऑफर है। तो जैसे कि बताया कि मैं आपको प्रोडक्ट का डिटेल नहीं दूंगा, प्रोडक्ट आप जाके जो पसंद आप खरीद सकते हैं। अगर आप मोबाइल एंड टैबलेट का देखना चाहते हो तो इधर क्लिक कीजिए, फैशन का देखना चाहते हो तो ये क्लिक कीजिए, TVs एप्लीकेशन इसमें, गैजेट एक्सेसरीज इसमें, और इवन होम एंड फर्नीचर का इसमें आप देख सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में इसमें डिवाइड किया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर आपको बाय 3 get 15% ऑफ, तो ये सब पूरा बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलने वाला है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में। और इधर आप देख सकते हैं 2000 का ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो आप 250 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। तो मतलब बिग बिलियन डे जो होने वाला है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, इवन जिनको मोबाइल एक्सेट्रा खरीदने वाले हैं, तो उन लोगों को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद देख सकते हो उसका स्पॉन्सरशिप, इतना सारा कंपनी ने स्पॉन्सरशिप किया बिग बिलियन डे को कंप्लीट करने के लिए। और ओवरऑल आप देख सकते हैं ये एक चार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट को आप नोटिस कीजिए किन किन डे में क्या क्या ऑफर आने वाला है। तो बेसिकली बिग बिलियन डे तो 10 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा, 10 से लेकर 14 तारीख तक, मगर मोबाइल फ़ोन 10 तारीख को नहीं मिलेगा, मोबाइल फ़ोन को आपको 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में ही मिलेगा। टीवी और एक्सेट्रा का 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक का 11 तारीख से, उधर आप फुटवेयर का 10 तारीख से, बुक्स टॉयज सब 10 तारीख से है। आपको देखना होगा कौन सा प्रोडक्ट कौन सा डेट में मिल रहा होगा, तो ये चार्ट भी आप नोटिस कीजिए होंगे। तो मैं ये जो लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आपको कहाँ कब मिलने वाला है। और इवेंचुअली अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस का मेंबर है तो आपको पहले ही बेनिफिट मिल जाएगा जो कि मैं बताया। तो आया होगा तो समझ में आ गया कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन। अभी भी कुछ भी डाउट है ये वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं और ई कमर्शियल वेबसाइट का टर्म्स एंड कंडीशन लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा ई कमर्शियल वेबसाइट है बहुत सारा बेनिफिट दे रहा है, जैसे अमेजन मिंत्रा है, ये दोनों प्लेटफॉर्म का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन बता दूंगा, जैसे मैं फ्लिपकार्ट का बताया। ओवरऑल अगर समझ में आ गया किन किन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, और फ्लिपकार्ट का नॉर्मल यूज़र को भी फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसे नहीं कि फ्लिपकार्ट प्लस को ही खाली फ़ायदा मिलेगा, बट प्रायोरिटी जो एक चीज़ होता है, प्रायोरिटी फ्लिपकार्ट प्लस को ज़्यादा जल्दी मिलेगा एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट नॉर्मल यूज़र। बट ऐसा मत टेंशन लीजिए कि आपको नॉर्मल यूज़र है फ्लिपकार्ट का आपको ऑफर नहीं मिलेगा, सबके लिए है, 10 से लेकर 14 तारीख के बीच में सबको मिलेगा। ये डेट इसलिए फिक्स किया गया है कि नॉर्मल यूज़र भी खरीद पाए। तो आई होप गाइस आपको कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन, एक एक चीज़ का टर्म्स एंड कंडीशन पता चल गया है। अगर आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ प्रोसीजर देखना है, जैसे अगर आप बजाज फाइनेंस का करना चाहते हैं तो सिंपली इसको क्लिक कीजिए, आप अपने मोबाइल से भी ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको डेस्कटॉप पे चाहिए। और इधर देखिए एक एक चीज़ का इमेज दिया हुआ, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, कहीं से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको देखना है बस करना है और अपना ऑर्डर प्लेस करना है। तो गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कमेंट कीजिए, मैं पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नया आ गए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। थोड़ा गाइस सपोर्ट चाहिए ये चैनल को, क्योंकि स्ट्राइक लग चुका है और इवेंचुअली एक सप्ताह से वीडियो नहीं डाला, तो ग्रोथ ये चैनल के ऐसे नीचे जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो फिर वो जे कर्व हम लोग का ग्रोथ में आ जाएगा।
तो गाइस इतना ही था ये वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।